ये वीडियो खास उन लोगों के लिए हैं जो पहली बार लैपटॉप यूज़ करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लैपटॉप ऑन करना, लैपटॉप ऑफ करना और कुछ बेसिक जानकारी सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से लैपटॉप की डिस्प्ले प्लेट को दोनों हाथों से ओपन करेंगे। अब लैपटॉप को ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए स्विच बटन को प्रेस करेंगे। मोस्टली लैपटॉप में स्विच बटन राइट साइड में होता है, किसी किसी केस में लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। ये इस तरह का स्विच बटन होता है जो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, छोटा या बड़ा भी हो सकता है, और किसी लैपटॉप में ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली राइट साइड में होता है। आपको हमेशा ये देखना है कि इसके ऊपर स्विच का आइकन होता है, इसे स्विच बटन कहते हैं। जस्ट इसे एक सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका लैपटॉप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर रखा है तो पासवर्ड एंटर करेंगे, पिन नंबर डालेंगे। जैसे मैं ऑलरेडी पिन सेट कर चुका हूँ तो पिन नंबर टाइप करके एंटर करते ही मेरा लैपटॉप ओपन हो जाएगा। अब आप लैपटॉप में जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं डेस्कटॉप पर, और ये है लैपटॉप का कीबोर्ड, और उसके नीचे मिल जाता है टच पैड जिसे आप कंप्यूटर में माउस की तरह यूज कर सकते हैं, और ये है मोबाइल में जो हम फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं वैसा ही ये फिंगरप्रिंट लॉक सेंसर है। इससे आप अपने लैपटॉप को फिंगर लॉक कर सकते हैं, और जो बटन होता है माउस में वो बटन इस टच पैड के नीचे हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं काम के दौरान। और जिस तरह से आप माउस को यूज करते हैं वैसे ही आप इस टच पैड पर अंगुली को इधर उधर करेंगे तो ये आपका कर्सर यूज हो जाएगा। देख सकते हैं ये कर्सर है, तो जिस भी प्रोग्राम के ऊपर ले जाकर आप कर्सर को डबल टैप करेंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टच पैड के ऊपर ही प्रेस करके रखेंगे और आप एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह से उंगली को ले जाएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप के कीबोर्ड में हमें एक विंडो की मिल जाती है, इसे सिंपली प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ऑप्शंस और फाइल आदि हैं जिसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ से सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं नोटपैड ओपन कर चुका हूँ, नोटपैड में जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, उसे आप सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब वीडियो देखना हो, कोई भी डाउनलोड करना हो या कोई और इंटरनेट पर काम करना हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लैपटॉप में नेट कनेक्ट करने के लिए नीचे कॉर्नर पर दिख रहे इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वाईफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल में वाईफाई को ऑन करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप लैपटॉप में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। लैपटॉप शट डाउन करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप विंडो की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्विच का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आप स्विच के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको शट डाउन और रीसेट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप शट डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, यानी शट डाउन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है एक शॉर्टकट की का, कीबोर्ड में अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आएगा, यहाँ पर शट डाउन लिखा हुआ है, ओके करते ही शट डाउन हो जाएगा। यहाँ से आप चेंज करके रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लैपटॉप शट डाउन होने वाला है। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम ओपन रहेगा तो आपको पूछेगा आप इसे शट डाउन करना चाहते हैं या नहीं, तो कोई प्रोग्राम ओपन रह जाए तो आप शट डाउन पर फिर से क्लिक करेंगे, अदरवाइज शट डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लैपटॉप को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और इस तरह से आप बेसिक यूज़ करना सीख सकते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको लैपटॉप यूज़ करने के बाकी सभी सॉफ्टवेयर और बाकी सभी तरीके बताएंगे, जिसके बाद आप लैपटॉप और कंप्यूटर आसानी से चलाना सीख जाएंगे।